रहते हैं, तो वेव्स कंटिन्यू करेंगे। अभी वेव्स में अपन लोगों ने खत्म किया था कहां पे, एक हाफ के स्क्वायर एनर्जी पता था क्यों, क्योंकि वो ऑसिलेशन की एनर्जी है। आज वेव का इक्वेशन बनाने की प्रोसेस रहेगा। तो वेव का इक्वेशन बनाना मतलब उसका मोशन का इक्वेशन बनाना, और सबसे फंडामेंटल है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाना, कि वेव किस टाइम पे कहां होगी, क्या कर रही होगी, उसका उसके पार्टिकल्स कहां पे होंगे, ऊपर होंगे नीचे होंगे, तो उसका एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर इक्वेशन बनाने के पहले थोड़े वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें, वेव की प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं उनको, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो कुछ कुछ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑसिलेशन वाले एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाता है, मैक्सिमम कितना नीचे जाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ डिस्टर्बेंस, ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, यू नो, ऑफ द पॉइंट ऑफ वेव इज इट्स एम्पलीट्यूड। और इन शॉर्ट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, है ना। तो ऑसिलेट जितना मैंने करवाया आगे पूरा वेव भी उतना ही मैक्सिमम ऊपर नीचे जाने वाली है। सो डेफिनेशन में उस दिन मैंने दिखाया, बोला था तुम लोगों के, वेव इज द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। और फिर देन वी रियलाइज के अच्छा मीडियम की जरूरत नहीं भी है कहीं कहीं पे। तो वो डेफिनेशन में आइडियली वी शुड बी चेंजिंग इट, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन और विदाउट अ मीडियम। सो इन अ मीडियम लिखवाया है क्योंकि वो काफी सारे टेक्स्ट बुक्स अभी भी इन अ मीडियम ही बोलती है, बट वहां पे तुम लोग ब्रैकेट में ऐड कर दो, इन अ मीडियम और विदाउट अ मीडियम, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ब्रैकेट में और विदाउट अ मीडियम इज अ वेव। ठीक है, सो इन अ मीडियम बंधन मैकेनिकल वेव, तो हम लोग का पूरा फिलहाल डिस्कशन मैकेनिकल वेव की। सो ये वन एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका सिंबल टेक्निकल न्यू है, पर मैं ज्यादातर इसको एफ लिखूंगा क्योंकि मेरा ये वी हो जाने वाला है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर न्यू है, एनवाई। सो मैं एफ लिखूंगा फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होना, वो है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होना है, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी होगी एक सेकंड में, एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स जाती है, ये पॉइंट है और यहां से वेव्स जा रही है, एक सेकंड में मैंने कितनी वेव्स जाते हुए देखी, वो होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज गोइंग टू बी द सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, बट हियर वी विल कॉल इट डिफरेंटली, वहां पे हम फ्रेम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड। सो ये हुआ फ्रीक्वेंसी। और अभी वेवलेंथ करना पड़ेगा। वेवलेंथ रफली तुमको पता ही है, वेवलेंथ का सिंबल होता है ये लैम्डा। सो मैं ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है। तो क्या करते हैं ना, अभी तुमको पता है कि ये है क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, लेकिन ये पढ़ चुके हो, और दो ट्रॉफ के बीच के पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। सो यू नो दिस, बट देन ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी तो वेवलेंथ होगा ना, ये मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं लिया, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये भी तो वेवलेंथ हुआ। सो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलना एंड दो ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलना इज नॉट रॉन्ग, बट इट्स अ पर्टिकुलर थिंग, इट्स नॉट द जनरल डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ, इट्स अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ। मैं सिर्फ क्रेस्ट और ट्रॉफ की बात कर रहा हूं, बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच के डिस्टेंस भी वेवलेंथ जितने हैं। तो अभी हम लोग थोड़े मेच्योर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, वेवलेंथ का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन और वो मेच्योर है। ठीक है, सो देखते हैं क्या। तो अभी मैं उसके लिए क्या करता हूं, उसका डेफिनेशन फॉर्म करने के लिए मैं यहां पे ना फेज
लिख देता हूं अलग अलग पॉइंट्स के। सो हमारी वेव स्टार्ट यहां से हुई थी, सो हमारी वेव स्टार्ट यहां से हुई थी और मैंने क्या किया, एक ऑसिलेशन किया। अब मैं एक ऑसिलेशन करूंगा तो एक ही वेव आगे जाएगी, एक बार ही गई खत्म, फिर वापस नहीं जाने वाली है एक ऑसिलेशन में। तो यहां पर मैंने कितने ऑसिलेशन किए हैं, तीन ऑसिलेशन किए हैं, तो मतलब मैंने एटलीस्ट एक दो तीन ऐसे किए होगा या ज्यादा किए होंगे तो ये डायग्राम बनेगा। अभी ये एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, एक के बाद एक वेव जनरेट करना, इसको बोलते हैं वेव ट्रेन। सो वेव ट्रेन इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेव्स, कंटिन्यूअस पासिंग ऑफ अ डिस्टर्बेंस इज अ वेव ट्रेन, एक के बाद एक वेव जाती है। तो ये एक वेव ट्रेन बनेगी मेरे से अभी। तो मतलब ये पॉइंट कितने ऑसिलेशंस कर चुका है, ये वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये पॉइंट तीन ऑसिलेशन कर चुका, तो इसका फेस क्या होगा, तीन ऑसिलेशंस कितना होगा, एक ऑसिलेशन का फेस क्या होता है, एक फुल ऑसिलेशन का फेस टू पाई, तो थ्री ऑसिलेशन का सिक्स पाई। तो यहां पर फेज लिखते जाता हूं मैं, तो इसका फेज है सिक्स पाई, इसका देखो ये एक मिनट इक्विलिब्रियम वाली लाइन बना लिया, ये इक्विलिब्रियम लाइन है, ये सिक्स पाई है, ओके ये होगा फोर पाई, ये टू पाई और ये जीरो। सो मतलब ये पॉइंट है ऑसिलेशन स्टार्ट किया नहीं है, अभी करेगा ऐसा करने के लिए। बीच के बारे में पॉइंट देखें, ये फाइव पाई, ये फाइव पाई, ये क्या होगा थ्री पाई, और ये पाई, यहां से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, क्या पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, और भी ले सकते हैं फिलहाल इतने रखते हैं। तो ये मैं फेजेस इसलिए लिख रहा हूं, ये अपने को वेवलेंथ समझने में थोड़ा हेल्प करने वाला है। सो अभी 11 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 दो पॉइंट्स का फेज है, इनके बीच का डिस्टेंस है वेवलेंथ जितना, ये अपन को पता है द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस दो क्रेस्ट का वेवलेंथ है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, देखो 11 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 2 कितना है, 2 पाई, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 2 पाई, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखो ये भी वेवलेंथ है 2 पाई। तो जो दो पॉइंट्स जिन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है 2 पाई, तो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। भी कोई भी रैंडम पॉइंट उठा के देखो, ये 5 पाई उठा के देखो, 5 पाई प्लस 2 या माइनस 2 पाई 3 पाई, ये एक वेवलेंथ है, ठीक है। यहां पे उठा लेते हैं ये पॉइंट उठा लेते हैं, लेट्स से पाई बाय 4, सो दिस विल बी व्हाट 11 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो कितना होगा करो, 11 पाई बाय 2 प्लस 5 बाय 4 23 पाई बाय 4, 23 पाई बाय 4 एंड अगेन ये वाला पॉइंट 7 पाई बाय 2 प्लस 5 बाय 4 15 पाई बाय 4, इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस देखो कितना है, 23 पाई बाय 4 माइनस 15 पाई बाय 4 करो 2 पाई, तो ये डिस्टेंस भी वेवलेंथ है। तो अभी ये एक लिंक मिल गया हमें, ये एक पॉइंट मिल गया लैम्डा डिफाइन करने का। सो इफ टू पॉइंट्स आर 2 पाई फेज अपार्ट, दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ जितना होगा, क्लियर। सो नाउ वी कैन डिफाइन वेवलेंथ इन अ बेटर मैनर, सो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन two points having phase difference of 2 pi, ठीक है, इसको वेवलेंथ बोलेंगे आपसे, क्लियर, ठीक है। अभी देखो जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में यहां से कितनी वेव्स गुजरी उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या है,
एक वेव को एक पॉइंट से गुजरने में कितना टाइम लगता है. सो टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू क्रॉस द पॉइंट, इसको टी बोलते हैं. एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वही वेव का भी टाइम पीरियड होगा. मतलब जितनी देर में एक ऑसिलेशन खत्म हुई उतनी ही देर लगेगी एक पॉइंट से उससे जनरेटेड वेव को क्रॉस करने के लिए. सो द टाइम पीरियड ऑफ वेव एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द सेम थिंग. इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज द सेम थिंग. दोनों का फिजिकल सेंस डिफरेंट है बट दोनों का वैल्यू सेम है. जनरेट वही कॉस्ट से हुआ है. ओके, सो वी नो टाइम पीरियड इज 1/f, या फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. उसी तरह से इनवर्स ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड द वेव नंबर. 1/λ वेव नंबर है. अब वेव लेंथ का मतलब क्या? 2π फेज डिफरेंस वाले डिस्टेंस को वेव लेंथ बोलते हैं. वेव नंबर मतलब एक मीटर में कितनी वेव्स आई, एक मीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स आई, वो होगा वेव नंबर. सपोज एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 1/2 मीटर, तो 1/λ कितना होगा? 2 होगा. दिस मीन्स के एक मीटर में आई 2 वेव्स. सो 1/λ वेव नंबर गिव्स नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर. ओके, क्लियर. एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी है मुझे, पर उसके पहले वेव की इक्वेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी तो समझ आएगा. सर ये बेटा नंबर सो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम लाइन, और ये एक वेव, ये दूसरी वेव, दो वेव्स के. अगेन ये फेस है 0 पॉइंट है 0 पे, यहां पे x 0 है, बाकी सब जगह पे x 0 नहीं है. यहां पे x होगा 1/2, यहां पे x होगा 2/2, यहां पे होगा 1/2, यहां पे होगा 1.5/2 है, 3/2, और अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स है. ये x 0 है. इस पॉइंट के ऑसिलेशन का इक्वेशन अपन को पता है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वेव को एक्स एक्सिस पे बनाया है. वेव एक्स एक्सिस पे जा रही है, ऑसिलेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है. सो ये मैं ट्रांसवर्स वेव ले रहा हूं, इसका ऑसिलेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट का इक्वेशन होगा वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. अच्छा प्लस 5 होता है, पर मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 5 को 0 ले रहा हूं. 5 को जब चाहिए हम लोग लेटर ऑन एड कर सकते हैं. मतलब क्या हुआ, मैंने 0 से स्टार्ट करा, इधर से स्टार्ट करा, ऐसे करके एक वेव की, ऐसे एक वेव की. ओके, तो मैं ये 5 को इग्नोर कर देता हूं. सो 5 = 0, तो ये पॉइंट का इक्वेशन है ना y = a sin ωt. ओके, ये ऑसिलेशन में अपन पढ़ चुके हैं. अभी ये वाला पॉइंट का इक्वेशन ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये 0 पे नहीं पड़ा है, ये λ/2 पे पड़ा है. सबके एम्पलीट्यूड सबका सेम है, फेज सबका डिफरेंट है ना. सबका फेज ओमेगा टी नहीं होने वाला है. अगर सबका फेज अगर ओमेगा टी है तो 1 साइकिल के बाद यहां पे एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, पर इधर तो आधा चक्कर कंप्लीट हुआ है, इधर चक्कर अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है फर्स्ट साइकिल के बाद, तो अपन को डिस्प्लेसमेंट का गलत इक्वेशन मिल जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन फॉर अ वाई वेयर एक्स इज 0.
एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट का इक्वेशन है ये। अगर मेरे को कोई रैंडम पॉइंट का इक्वेशन चाहिए, मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए, ये कहां है उस टाइम पे, ये फेज में इसके पीछे ही चल रहा है, कोई भी गिवन टाइम पे ये वाले पॉइंट ने ज्यादा ऑसिलेशन ही किया होगा कंपेयर टू दिस पॉइंट, सो द फेज ऑफ दिस पॉइंट इज लेसर देन दिस पॉइंट। ओके, सो ये रैंडम एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस सम फेज डिफरेंस माइनस थीटा, जहां पे थीटा मेरे को पता नहीं क्या है, बट ओमेगा टी माइनस थीटा है ये श्योर है, इनका सबका फेज कम ही चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये कितना फेज पीछे है फोर पाई से, फर्स्ट वाले पॉइंट से ये पाई पीछे, तो इस पॉइंट की इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ये वाले पॉइंट की इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई, माइनस टू पाई का मतलब अल्टीमेटली सेम आ जाएगा, बट फिलहाल अपन को एक जनरल इक्वेशन बनानी है। सो इसका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय टू, डिस्टेंस है लैम्डा बाय टू, तो फेज डिफरेंस कितना रखता है अपन पाई, डिस्टेंस है लैम्डा तो फेज डिफरेंस कितना टू पाई, सो डिस्टेंस वर्सेस फेज करें, डिस्टेंस है लैम्डा तो फेज डिफरेंस है टू पाई, कोई भी रैंडम डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स, तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा टू पाई एक्स बाय लैम्डा, बराबर। सो ये वाला जो पॉइंट मैंने चूज किया, कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लिया, ये अपना जीरो वाले पॉइंट के पीछे चल रहा है, कितना इतना पीछे चल रहा है, इसका जो थीटा जो अपन ने सब्ट्रैक्ट किया है इधर उसकी वैल्यू है ये। सो अ पॉइंट विच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज टू पाई एक्स बाय लैम्डा फेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑसिलेशन, उसका फेज इतना कम होने वाला है कोई भी गिवन टाइम पे, ठीक है। तो ये जो देखो टू पाई बाय लैम्डा है ये कांस्टेंट हो गया, टू पाई बाय लैम्डा इज कांस्टेंट है, ये पूरे वेव के लिए चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल सिर्फ एक्स है, सो टू पाई बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव कांस्टेंट के, इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करनी है। सो के हमारा फेवरेट लेटर, सो वाई एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर के इज टू पाई बाय लैम्डा। ओके, के को बोलते हैं वेव वेक्टर या फिर एंगुलर वेव नंबर या वेव कांस्टेंट, ये तीन नाम है इसके, क्लियर है, ठीक है। इसको ये इक्वेशन को थोड़ा एलैबोरेट करने का, सो के को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं यहां पे। सो ये नाम तो ये रहते हैं, सो देखो के हो रहा है 2 पाई बाय लैम्डा, अभी 2 पाई लैम्डा तो मैंने चूज किया ना, इसको ये फेज डिफरेंस कितना है पाई, और डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 2, सो इसको पाई लैम्डा बाय 2 भी रख सकते हैं, अल्टीमेटली 2 पाई बाय लैम्डा हो गया। पर ये बोल के मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ऊपर जो है ना ये है थीटा, और नीचे जो है वो है डिस्टेंस, ये है रेडियन पर मीटर, तो फेज डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वेव वेक्टर इज फेज डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वेव, मतलब एक मीटर दूर पॉइंट्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो होता है के, वेव वेक्टर। एक मीटर दूर पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है वो है के। जैसे कि अगर एक वन मीटर लंबी वेव है, मतलब वेवलेंथ है वन मीटर, तो एक मीटर में कितनी वेव आई, एक आई ना, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या हुआ 2 पाई, तो k हुआ 2 पाई, एक मीटर में फेज डिफरेंस है 2 पाई। एक हाफ मीटर वाली वेव ले लो, तो एक मीटर में कितनी होंगी 2 वेव्स,
और दो एंड पॉइंट्स का फेस डिफरेंस क्या होगा? 4 pi. सो उसका k है 4 pi. एक 2 meter लंबी वेव लो, तो 1 meter में कितनी वेव आई? हाफ वेव आई. तो k क्या हुआ? पाई हुआ. सो k हुआ उसका पाई. तो k इज फेस डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. 1 meter दूर दो पॉइंट्स के बीच में फेस डिफरेंस क्या है? 1 meter दूर दो पॉइंट्स के बीच में फेस डिफरेंस है k. तो x मीटर दूर दो पॉइंट्स के बीच में कितना होगा? एक्स के. सो ये kx का वो सेंस है. ठीक है. अब एक बात है कि ये जो डिस्कशन किया इसमें वेव मूव करवाई है मैंने पॉजिटिव x डायरेक्शन में. वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करवाई है तो मतलब ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, इन सबका x है पॉजिटिव. x पॉजिटिव है तो इसीलिए ये पॉइंट पीछे चल रहे हैं ऑसिलेशन में. अगर तुम कहीं ऐसा इक्वेशन देखो, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, इस इक्वेशन का मतलब है कि x नेगेटिव है, मतलब वेव पीछे जा रही है. तो ये पीछे प्लस साइन है मतलब द वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस के एक्स है मतलब वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है. ओके, मेक सेंस? क्लियर है? ठीक है. चलो अभी थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर सकते हैं. सो एक तो इस इक्वेशन की थोड़े और फॉर्म्स बना ले रहे. सो अपने को मिला y इक्वल्स टू, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स एन प्लस फाइव, और फाइव मिला चल दे रहा हूं. और थोड़े फॉर्म्स बनाते इस इक्वेशन के. ओमेगा को लिख सकते हैं 2 pi/t, और k को 2 pi/x. तो ये और हुआ एक a साइन 2 pi कॉमन t/t माइनस x पे लंबा, ऑल्सो a साइन अभी 2 pi f लिख लो इसको. सो इसको लिख देते हैं ft. सो 2 pi ft माइनस x पे लंबा. अभी देखो यहां पे ना स्पीड ऑफ वेव निकाल रहे हैं. ये वेव कितनी फास्ट हो रही है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ऑसिलेशन नहीं होने वाला है, ये अलग है दोनों चीजें. वेव कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना फास्ट ऑसिलेशन करवा रहे हो, वो मीडियम पे डिपेंड करता है. ये देखो मैं अभी खाली दिखा देता हूं ऐसे. अभी यहां पे मैं एक वेव जनरेट करता हूं, वो कोशिश करना देखने, ये मैं स्लो मोशन नहीं करने वाला हूं. ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो. अभी पास में अभी देखिए कौन सी पास गई, फर्स्ट वाली सेकंड वाली? फर्स्ट वाली इतनी पास गई कि दिख नहीं रही इसके लिए. अभी अगर वो और लूज कर देगा ना तो और स्लो जाएगी. मैं सेम ही स्पीड से ऑसिलेट कर रहा हूं. द पॉइंट्स ऑफ ऑसिलेशंस आर मूविंग विद द सेम स्पीड बट द प्रोग्रेशन ऑफ वेव, द प्रोग्रेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज डिफरेंट. सो वेव की स्पीड अलग है ऑसिलेशन की स्पीड से, डिफरेंस है. और यहां पे थोड़ा बहुत तुमको पता चला कि डिपेंड करता है टेंशन पे. अगर वो टाइट पकड़ रहा था तो वेव फास्ट जा रही थी, लूज है तो वेव स्लो ट्रेवल कर रही है. ठीक है, स्पीड ऑफ वेव v, ये मैं v w लिख देता हूं. स्पीड ऑफ वेव डिस्टेंस अपॉन टाइम वो लगा सकते हैं अपन. डिस्टेंस लैम्डा कवर करने में टाइम लगता है t. एक तो ये इक्वेशन है, दूसरा 2 pi/2 का मल्टीप्लाई कर दो या लैम्डा, एक तो एक और लैम्डा f स्पीड ऑफ वेव. यहां पे ऊपर नीचे 2 pi करते थे, 2 pi λ f / 2 pi.
सो 2 पाई बाय लैम्डा क्या है के, और 2 पाई एफ क्या है ओमेगा, एफ मतलब टी मतलब क्वांटिटी, सो 2 पाई बाय टी ओमेगा, सो ये है ओमेगा बाय के। सो ये एक और स्पीड का इक्वेशन है, ओमेगा बाय के या लैम्डा बाय टी या लैम्डा एफ, ओके ये स्पीड ऑफ वेव है। स्पीड ऑफ ऑसिलेशन अभी भी वही है अपना पुराना वाला, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, यहां पे अपने वाई एक्सिस पे ऑसिलेशन कर रहा है, सो वाई स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो यहां पे लैम्डा बाय क्या करें, और इक्वेशन यहां पर बना लेता हूं, तो ये वाई की और इक्वेशन बना लेता हूं, सो वाई इक्वल्स टू ए साइन, अभी यहां पे f के बदले मैं लिख देता हूं v बाय लैम्डा यहां पे, सो a साइन 2 बाय f के बदले v बाय लैम्डा t माइनस x बाय लैम्डा, तो y ऑल्सो इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा क्या हो गया k b t माइनस x, सो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है, याद रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है तो वो टाइम पे जब प्रॉब्लम आएगा तो उस टाइम पे डायरेक्ट वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट एवर, ये डिफरेंट फॉर्म्स है वेव की इक्वेशन के, फंडामेंटली ये है, इसमें से दूसरे दूसरे डिराइव्ड है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला ये जो तीन मैंने बॉक्सेस बनाए, ठीक है, तो ये बॉक्सेस ऐसे बनाए कि डायरेक्टली वैल्यू रख के आंसर सबने निकलने वाला है, सो मोस्टली इन वे प्रॉब्लम आज है, ठीक है। अभी देखो स्पीड के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें, यहां पे वेव की स्पीड डिपेंड कर रही है दो चीजों पे, लैम्डा और एफ, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन वाली है, मतलब फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड्स कि मैं कितना फास्ट कर रहा है, सो स्पीड ऑफ वेव डिपेंड कर रही है कि मैं कितना फास्ट कर रहा है, पर और डिपेंड कर रही है कि मीडियम कैसा था, मैं सेम स्पीड से ऑसिलेट कर रहा हूं फिर भी वेव डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, और वो देखा अभी अभी अपन ने, ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स टोटली ऑन द सोर्स, सोर्स कितना फास्ट उसको करवा रहा है ऑसिलेट, दिस इज अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम लोग को कोई भी नेचर में फिनोमेनन समझने में, ट्वेल्थ में हम लोग बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, मैटर वेव्स पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है, अभी तो तुम लोग केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स पढ़ चुके होगे अभी तक, ठीक है, बट उसका ट्रू पिक्चर तुम लोग अभी तक नहीं समझे हो, हाउ डज इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चलता है, जब एस ऑर्बिटल पड़े हो तो क्या इलेक्ट्रॉन घूमता है, नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता बिल्कुल नहीं है, पी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप्ड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे मतलब क्या न्यूक्लियस के पास रहेगा, शेप तो ऐसा है डंबल शेप, तो न्यूक्लियस के अंदर से जा रहे नहीं, उनका फिजिकल मीनिंग डिफरेंट ही है वो शेप्स का, पर वो सब समझने के लिए ये समझो कि वेव का स्पीड कोई भी वेव, यहां पे मैकेनिकल वेव्स है, कोई भी वेव हो, मैटर वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी स्पीड में जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सोर्स, नथिंग एल्स, मैं डिसाइड कर सकता हूं मेरे को ऑसिलेशन कितना फास्ट कराने का है और कोई नहीं, मीडियम से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मीडियम से वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ देखा तुमने डिफरेंटली नोटिस किया, फर्स्ट वाली वेव में और जब इसने ढीला कर दिया था इन्हें, तो सेकंड वाली वेव में वेवलेंथ डिफरेंट थी, कब छोटी थी कब बड़ी थी, लूज था तब छोटी वेवलेंथ थी, और जब टाइट था तब वेवलेंथ ही बहुत बड़ी थी, वेव बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही थी वो वजह से, ठीक, तो वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम ओनली, मतलब मीडियम चेंज वेवलेंथ चेंज, मीडियम चेंज फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइट मीडियम हो लूज मीडियम हो वेव की फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेवलेंथ को फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ये बहुत क्रूशियल थिंग्स है, जैसे जैसे आगे कुछ भी कंसेप्ट आते रहेंगे जहां पे इन चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं याद दिलाते रहूंगा तुमको, ठीक है, कि भाई पानी में वेव जा रही है साउंड वेव, साउंड वेव की बात करें जैसे सारे ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स थी, यहां पे मीडियम एक है नॉइज़ है, ठीक है, अभी पानी में जाने से फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है पर वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी,
अगर तुम पानी में सपोज कोई रॉ में गाना गा रहा है और तुम नीचे पानी में जाके सुनते हो, स्विमिंग पूल में अंदर चले गए और तुम फिर सुन रहे हो, तो यू विल बी रिसीविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स बट स्टिल द सेम फ्रीक्वेंसी. द नेचर ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी मोर देन द वेवलेंथ. वेवलेंथ पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना फ्रीक्वेंसी पे. एक ब्लू कलर की लाइट ब्लू कलर की होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से. उसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 4,500 एंगस्ट्रॉम है ब्लू कलर की, ठीक है. तो वो ये मैंने वेवलेंथ बताया, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, ये वेवलेंथ बताया 4,500 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम. पानी में ये चेंज हो जाता है, पानी में दिस डिक्रीजेस अराउंड 1.3 टाइम्स. सो 4,500 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.3 तो चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 4,500 बाय 4/3, सो अराउंड 3 समथिंग आ जाएगा. बट वो फिर भी ब्लू कलर दिखेगा अगर यहाँ पे बीच में पानी की बॉल आ जाती है या तुम ही पानी में हो और ब्लू कलर की लाइट आ रही है, तो वो कोई और कलर नहीं देखने वाली, वो ब्लू ही देखने वाली है. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम. द नेचर ऑफ अ वेव, कि वेव कैसी है, वो फ्रीक्वेंसी से होता है, वेवलेंथ से नहीं होता है. सुर जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होते हैं, वेवलेंथ से नहीं. लाइट के कलर्स उसकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होते हैं, वेवलेंथ से नहीं डिसाइड होते. वेवलेंथ मीडियम डिसाइड करता है, ठीक है. तो मीडियम चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ सोर्स ही डिसाइड करने वाला है. ओके, वेरी क्लियर. तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुए वेव के खत्म. अभी स्पीड ऑफ वेव एक चीज कर ले. देखो, सो ये जो इक्वेशन बन गया ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, कांस्टेंट है, जीरो नहीं, सॉरी कांस्टेंट है. ओमेगा टी सबका अलग अलग है और के एक्स भी सबका अलग अलग है, ओमेगा टी माइनस के एक्स सबका सेम है. इसलिए ये इक्वेशन पूरी वेव की इक्वेशन है, पूरी वेव में ये सेम है, ये डिफरेंस सेम रहने वाला है. एंड दिस इज कॉल्ड द फेस. ऑब्वियसली जहां जहां पे अपन एंगल नहीं बोलते हैं वहां पे फेस बोल रहे होते हैं, ठीक है. सो ये एंगल नहीं है क्योंकि रियल में कुछ रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा होता तो अपन एंगल बोलते थे, यहां पे फेस चेंज हो रहा है. फेस स्पीड निकालते हैं, तो फेस स्पीड मतलब डी फाइव बाई डी करते हैं, ऑब्वियसली जीरो क्योंकि मैं बोलूंगा कॉन्स्टेंट है. तो डी फाइव बाई डी इज जीरो, दिस इंप्लाइज d by dt of omega t minus kx is equal to 0. Simplex. अभी ये omega constant है तो dt by dt हो जाएगा 1 और k constant है तो dx by dt क्या हो जाएगा? dx by dt क्या हो जाएगा? v equals to 0. Therefore, ये इधर ले लो तो v क्या हो जाएगा? omega by k. ये क्या मिला? ये वेव स्पीड मिली, बट ये मिला कि एक पॉइंट का फेस कितना जल्दी चेंज हो रहा है, एक पॉइंट का फेस कितना जल्दी चेंज हो रहा है, एक पॉइंट का फेस ओमेगा बाय के जितना जल्दी चेंज होता है. फिलहाल जीरो पे है, पाई कितनी देर में हो जाएगा वो फाइंड करना है, इससे करो. सो ओमेगा बाय के जो हम लोगों ने वेव की स्पीड बोली, दिस इज एक्चुअली फेस स्पीड ऑल्सो, फेस स्पीड ऑफ अ गिवन पॉइंट, नॉट द फेस स्पीड ऑफ द वेव. वेव का फेस स्पीड, वेव का जो फेस है वो ओवरऑल ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है. बट एक पॉइंट की अगर बात करते हो, एक्स तुमने फिक्स कर दिया, उसका कितना जल्दी चेंज होएगा? ओमेगा बाय के जितना जल्दी चेंज होएगा. सो ओमेगा बाय के जिसको हम वेव स्पीड बोलते हैं, इट इज ऑल्सो फेस स्पीड. ऑसिलेशन का स्पीड है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स, सॉरी ऑसिलेशन का स्पीड. और ये वेव का स्पीड ये है, ओके. अभी ये जो हमने स्पीड वगैरह की इक्वेशंस निकाली, ये जनरल इक्वेशन है, ये कोई भी वेव में लग जाएगा. अभी हमको स्पेसिफिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड्स निकालनी है. लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए इक्वेशन में क्या चेंजेस करना है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के लिए इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस करना है. ये जनरल है, ओमेगा बाय के जनरल है, ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी लैम्डा एफ ये जनरल इक्वेशन है, ये कोई भी वेव में लग जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मैटर वेव्स में,
हम लोग अभी करने वाले हैं कि ट्रांसवर्स वेव कितनी फास्ट ट्रेवल करेगी, लॉन्जिट्यूडनल वेव कितनी फास्ट ट्रेवल करेगी. ओके ठीक है. हाँ अभी बताओ, यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो. तुम कुछ डाउट है बोलो. हाँ फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आपने जो बताया था, हाँ. तो उसमें आपने बोला था कि अगर मैटर कहीं जगह से एब्सेंट हो जाता है तो वो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी ट्रैवल करती है. एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी ट्रैवल करती है. कैसे ट्रैवल करती है? देखो उसके लिए अपन सन और अर्थ का एग्जांपल लेते हैं. So the question is के absence of gravity कैसे travel करेगा. तो उसके लिए देखते हैं एक constant gravity वाला कुछ केस देखते हैं. So जैसे sun यहाँ पे है और इधर earth है. okay. और फिलहाल इन दोनों के बीच में gravitational attraction है. So मैं ये draw कर रहा हूँ the gravitational pull on the earth. ठीक है. अभी ये जो मैंने जो line बनाई, ये मैंने gravitational force की line बनाई. अब ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो भी ट्रैवल करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स को भी लाइट की स्पीड जितना, लाइट जितना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में. सो दिस इफेक्ट, दिस फोर्स, दिस खिंचाव ट्रैवल्स. सपोज सन गायब हो गया सडनली. सपोज एक इमेजिनरी सिनेरियो जहां सन था अभी और अभी खत्म, गायब हो गया. अच्छा अर्थ वैसे कैसे घूमता है एलिप्स में? घूम रहा होगा. अब सन तो गायब हो गया, सो अर्थ को इसके टेंजेंट में निकल जाना चाहिए क्योंकि अभी तो कोई खींच नहीं रहा ना सेंटर की तरफ. पर ऐसा होता नहीं है. अगर सन गायब हो गया ना तो भी सन में से निकलने वाला ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल ये जो फोर्स है, उसको यहां से ऐसा गायब होते 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 अराउंड 8 मिनट्स लगेंगे. और वो 8 मिनट तक अर्थ ये कर्व्ड पाथ पे ही चलेगा एंड अर्थ यहां से टेंजेंट पकड़ लेगा, इधर से टेंजेंट नहीं पकड़ेगा. सो इट टेक्स टाइम फॉर द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी टू ट्रेवल ऑल्सो. अर्थ को 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा हमको. इनफैक्ट लाइट भी सर में से मिलती रहेगी क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में भी उतना ही टाइम लगता है. लाइट की स्पीड और ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड सेम है. तो जब हमको 8 मिनट तक सन दिखता भी रहेगा भले वहां से गायब हो चुका, अभी भी हमको जो सन दिखता है वो उसकी रियल पोजीशन नहीं होती है, वो हमको 8 मिनट पुराना इमेज दिखता है उसका. अभी अगर तुमको सन इधर दिख रहा है तो इधर नहीं है वो, थोड़ा ऊपर है. और जब तुमको सन सेट होते हुए दिख रहा है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, वो तो उसका बचा कुचा है लाइट हमारी आंखों में आने. सो वी ऑलवेज सी फार ऑफ थिंग्स इन दैट मैनर. फार ऑफ थिंग्स क्या देखी थी, तुम मेरे को नहीं देख रहे हो, तुम मेरे कुछ माइक्रो सेकेंड्स पहले के निकली हुई लाइट को देख रहे हो ऐसा करके. सो यू आर नॉट रियली सीइंग एनीथिंग. हमको सब कुछ पुराना ही देखते हैं ऐसा करके. हाँ वो बहुत थोड़ा पुराना है. ठीक है. सेम हैपेंस विद ग्रेविटी. तो इसको मैकेनिकली कैसे सोच सकते हैं? देखो मान लो ये मेरा जीरो पोजीशन है, ये मेरा वन पोजीशन है, ये पूरी जीरो वाली लाइन है और ये वन वाली लाइन है. यहां पे स्ट्रिंग रस्सी पकड़ रखी है ने, ये लेवल पे रस्सी पकड़ रखी. अब मैं इसको जीरो पे लेके आऊ बस, और कुछ नहीं, ऑसिलेटर और नीचे मतलब नहीं ले जाऊं, मैं इसको यहां से जीरो पे लेके आऊ. और नयन जैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हाथ में वो उसके साथ मूव करवा देगा उसको. तो ये ऐसे हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे और अल्टीमेटली ये नीचे आ जाएगी. सो दिस विल बी द न्यू पोजिशन ऑफ द एंटायर रोड, है ना. मैं इस रस्सी को ऐसे बस नीचे करवा दिया तो पूरी रस्सी ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगी, फ्लैट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ कंपेरिजन. ठीक है. बट वॉट वी थिंक ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इज एक्चुअली द चेंज इन ग्रेविटी. सो एन इंक्रीज इन ग्रेविटी तो वहां पर फोर्स ट्रेवल करेगा, डिक्रीज इन ग्रेविटी वो एब्सेंस ऑफ फोर्स भी ट्रेवल करेगा. Absence of force travel कर रहा है मतलब धीरे 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 करके फोर्स मैनेज हो जाएगा. बी आई वॉन्ट यू टू पिक्चर आई दिस. पता नहीं मैं कितना अच्छा डायग्राम बना पाऊंगा.
So to quote Einstein, gravity is the change of space time around us. हमारे आजू बाजू का स्पेस टाइम जो है ना वो कर्व्ड है, वो हमको ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है. तो यूजुअली हमारा स्पेस टाइम ऐसा है, यूजुअली मतलब जब कोई मास नहीं पड़ा है तभी ऐसा है. अभी इधर सन रख लो, ये सन, सन का बहुत हैवी मास है, 2×10^30 किलोग्राम. तो वो अपने आजू बाजू के, ये स्पेस एक्सिस सोचो, एक्स एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस सोचो, तो वो अपने आजू बाजू के स्पेस टाइम को बहुत बेंड कर देता है. तो ऐसा उसको अगर साइड से अगर अपन देखें तो कुछ ऐसा पिक्चर हो जाएगा. सन ने ग्रेविटी को, स्पेस टाइम को बेंड कर दिया होगा, ये हमको ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है. मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज है, सपोज अर्थ है अगर, तो वो इसकी ग्रेविटी में गिरना चाहेगा, बट वो नहीं गिर रहा है, ऐसा कटोरी गिर रहा है, कटोरी कैसे कुछ वक्त सेंटर में आएगा, पर अगर तुम उसको घुमा दो तो नहीं आएगा, ऐसा कभी कटोरी में से घुमा दे तो नहीं आने वाला है. अभी फिलहाल तो ये इफेक्ट हमको फील हो रहा है और हम ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं. अगर ये गायब होगा तो ये जो स्पेस टाइम जो बेंट है वो सीधा होगा, ऐसे ऊपर उठेगा, ऐसे होगा, और ये यहां पे एक ऐसा वेव जनरेट होगी. फिलहाल कुछ वेव नहीं है, अगर सन प्रेजेंट है तो कोई वेव नहीं है, पर अगर सन गायब होगा तो ये ऊपर आएगा, और ये जब ऊपर आएगा तो यहां पे ऐसी एक वेव एक्सपीरियंस होने वाली है, ये वेव आगे बढ़ने वाली है जो अल्टीमेटली अर्थ को इधर फिर नहीं खींचेगी. ये वेव अर्थ पे पहुंच गई एक बार तो अर्थ फिर ऐसा नहीं कर लेगा, बट तब तक अर्थ यहां से यहां मूव कर चुका होगा. तो ये वेव भी हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी. अगर अर्थ इधर है और ये कपड़ा ऐसा सीधा हो, ये संकाया हुआ, तो ये ऊपर उठेगा, फिर ये उठेगा, फिर ये उठेगा. तो जब तक यहां पे पहुंचा ये, तब तक अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ एब्सेंस ऑफ मास बी ट्रैवल्स, एनी चेंज ट्रैवल्स, any physical change travels, absence of matter travels, absence of energy travels, change in temperature travels, change in pressure travels, कोई भी physical change travel करता है, ऐसे करके. ठीक है, हम लोग उसको तुम energy के form में अगर equation बना लो, कोई भी change, अगर तुम temperature का energy में equation बना लो, so you can find out कितना speed होगा, कितना जल्दी temperature change होगा, ऐसे करके. अभी तो हम लोग एक basic wave का equation पढ़ रहे हैं, amplitude, डिस्प्लेसमेंट एंड फेज, ये सब पढ़ेंगे. ये सारे एम्पलीट्यूड्स को तुम टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हो, फेज को भी रिलेट कर सकते हो, बट देन फिर वो प्रॉपर कन्वर्जन्स होंगे. ठीक है, बोलो बोलो सर. मतलब हम सन अगर गायब होता है और ऐसे ऊपर की तरफ वेव आती है, हाँ, तो उससे अपन ये बोल सकते हैं कि बाकी सब कुछ चीजें उनको वैसे बाहर की तरफ फोर्स लगे. एग्जैक्टली, सो बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, ये फ्लैट हो गया. सो पहले वही समझ लो, वो कटोरी में एक मार्बल तुमने डाल दिया, वो घूम रही है. अब कटोरी को अगर फ्लैट कर दो किसी तरह से तो वो मार्बल अपने टेंजेंट पे निकल लेगा, वैसे करके. सो फोर्स एब्सेंट हो गया. सो पहले मार्बल को सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, अगर वो फ्लैट हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, तो सीधा सीधा निकल लेगा, वैसे करके. ठीक है, हाँ सर. ये जो ट्रैवल कर रहा है ना, जैसे यहां पे भी मैं फोर्स दे रहा हूं टू चेंज द, टू एक्सेलरेट थिंग्स. कोई भी वेव का ऑसिलेशन का रिलेशन है ना उसके, और ऑसिलेशन क्यों आएगा, जब ये फोर्स लगने वाला है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो ऑसिलेशन होने वाला है. ठीक है, सो वेव इज रिलेटेड टू फोर्स, वैसे करके. एंड देन ऑल्सो रिलेटेड टू एनर्जी, तो यहां पे ग्रेविटेशनल एनर्जी का एक चेंज डिटेक्ट हुआ है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी में डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, देखो फोर्स एम ए इज एक्सीलरेशन. ये एक्सीलरेशन हम लोगों ने ऑसिलेशन में पढ़ा कि ये ऐसा है जो कोई एक पॉइंट की तरफ है, और वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट. द एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, बराबर. वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड चीजें ऑसिलेट करेंगी, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये ऑसिलेशन वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड जो हो रहा है वो आगे भी बढ़ेगा.
सो अल्टीमेटली ये ऑसिलेशन क्यों हुआ है, एक्सेलरेशन की वजह से. एक्सेलरेशन क्यों हुआ है, वो फोर्स की वजह से. सो एनी टाइप ऑफ फोर्स विल लीड टू सम एक्सेलरेशन इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट. दिस इज नेसेसरी. अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम पॉइंट विल लीड टू ऑसिलेशन और आगे फिर वेव जनरेट होने वाली उसमें से. तो यहां पे एब्सेंस ऑफ फोर्स है. सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज डेल्टा एफ. सो पहले फोर्स कॉन्स्टेंट था, कोई चेंज नहीं. अभी डेल्टा एफ, अभी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स जो है वो फोर्स कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है. स्प्रिंग का जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है. अगर कॉन्स्टेंट फोर्स होता तो वेव जनरेट नहीं होती थी, तो ऑसिलेशन नहीं होता. कॉन्स्टेंट फोर्स होता तो यहां पे एफ इक्वल टू के एक्स वेरिएबल फोर्स है. सेंटर पे जीरो है, एक्सट्रीम्स पे मैक्सिमम है, इसके लिए ऑसिलेट करता है. ठीक है. पर सपोज तुम्हारे पास एक ऐसा फोर्स है यहां से यहां तक बस खत्म, फिर फोर्स जीरो, तो देयर विल बी सम सेक्शन ऑफ ऑसिलेशन दैट विल ट्रैवल, दैट इज गोइंग टू ट्रैवल. ठीक है. हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं, जब भी हम लोग वेव की बातें की है तो हम लोग वेव ट्रेन सोचते हैं, ये वेव सोचते हैं, ये वेव ट्रेन है इतना. ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है. ये जो हमारा जो ईसीजी में जो पल्स होता है रैंडम शेप, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है. इसको डिजिटल वेव बोलते हैं. हम जो वेव्स पढ़े हैं, जो ऑसिलेशन है तुम जो पढ़े हो, वो साइनोसॉइडल वेव्स पढ़े हो. साइनोसॉइडल मतलब सांप जैसी वेव्स, सिनुअस वेव्स ऐसे करके. ठीक है. बट इन जनरल अ वेव इज एनी डिस्टर्बेंस इन द बॉडी, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो. ठीक है. चलो और कुछ. ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है. हाँ. तो फिर ग्रेविटेशन वेव्स अट्रैक्टिव ही होती है या ग्रेविटेशन अ वेव इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर पीपल्स. अ वेव इज जस्ट प्रोपोगेटिंग एनर्जी. वेव अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करती है. वेव कुछ डिस्टर्बेंस वहां पर क्रिएट कर देती है. इट इज एनर्जी प्रोपोगेटिंग और वो वही डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी जो हमने यहां पर किया है, हमने जो सोर्स में किया है वो उधर भी वही काम कर रही होगी. बोलो सर. आपने वेव का इक्वेशन बताया, वाई का जो इस साइन ओमेगा टी माइनस के, और आपने बोला कि प्लस लिख सकते हैं जब नेगेटिव डायरेक्शन हो. तो पॉजिटिव नेगेटिव भी तो अपन क्या बोलते चूज कर सकते हैं. तो हाँ, चूज कर सकते हो. तो तुम अगर इसको नेगेटिव रख रहे हो, सर इसको अगर पॉजिटिव रखते हो, अगर तुम बोलते हो कि ये प्लस एक्स है, तो तुम स्टिल इक्वेशन ये लिखोगे ये साइन ओमेगा टी माइनस एक्स. तो तुम ऐसे लिखोगे. ठीक है. अगर तुमने इधर इसको प्लस रखा तो माइनस नहीं रखोगे, क्योंकि तभी अगर वे वैसे जा रही है तो मतलब पॉजिटिव जा रही है. सो माइनस ओमेगा टी माइनस एक्स रहेगा. ओके. नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट वेव. हाँ, करती है. नॉन मैकेनिकल वेव्स हो तो भी, नॉन मैकेनिकल वेव्स जो भी मीडियम चेंज कर रही है तो वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा. मीडियम चेंज करने से वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है. बट देन ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन कौन सा टाइप का फोर्स. जैसे वी यूजुअली स्पीक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम चेंज करने से फर्क पड़ता है, ग्रेविटेशनल वेव को नहीं पड़ता है. ग्रेविटेशनल वेव को मीडियम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ग्रेविटेशनल वेव्स आर मीडियम इंडिपेंडेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मीडियम डिपेंडेंट. दे डोंट रिक्वायर मीडियम, बट मीडियम वेवलेंथ को चेंज कर देता है. मीडियम हो के नहीं वो ट्रैवल करेगी. सो व्हेन नॉन मैकेनिकल बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है. मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए. मीडियम होगा तो भी ट्रैवल करेगी, मीडियम नहीं होगा तो भी ट्रैवल करेगी. वो ऐसी वेव है. मीडियम चेंजेस ला सकता है. नॉन मैकेनिकल वेव्स में भी मीडियम कैन ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है, पर मीडियम में आने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ चेंज हो सकती है ऐसा. ठीक है. क्लियर है. चलो और डाउट्स हो तो कलेक्ट करके रखो, फिर कंटिन्यू करेंगे.